Welcome to Rhythms of Rhyme. We are doing a concert today called Umeed. हमारे जैसे आज कल देश में जो हालात चल रहे हैं, ये कॉन्सर्ट स्पेशली इस टाइम के लिए है जो शायद हम में से काफ़ी लोगों ने पहली बार देखा है. देर इज मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, इंडियंस आर सफरिंग, पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, पीपल हु आर स्टिल फाइटिंग, our healthcare workers, frontline workers, volunteers who have just worked tirelessly to fight this illness, this infection, this virus. As a poetry community, we had no idea how to tackle this situation as in terms of how to do our bit in making sure that people can relieve a sigh of, you know, can breathe a sigh of relief, even for a few minutes. कई बार शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं. किसी को बोलना कि आप हौसला रखें या पॉजिटिव रहें, माइंडसेट अपना स्ट्रांग रखें, वो भी कई बार काम नहीं आता है. ऐसी इतनी होपलेसनेस हो जाती है. तो आज हम आपके साथ कोई ऐसा ज्ञान बांटने नहीं आए कि आप पॉजिटिव रहिए या खुश रहिए, क्योंकि ये टाइम ही नहीं है जिसमें हम सोच सकें कि हमें अपने बारे में ही सोचना है या अपनी खुशी के बारे में ही सोचना है, ये ऐसा कोई टाइम ही नहीं है. आज हम सोल स्टार्ट के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जो जो कि मतलब इस टाइम के लिए जो आवाज़ और जो उनका म्यूजिक है, वो उससे बेटर हमें बेहतर कोई नहीं हमें लगा जो इस हमारे इस संभावना सेंटिमेंट को समझ सके और आप तक पहुंचा सके कि हमें जुड़ना है इकट्ठे, हमें एक दूसरे की मदद के अलावा एक दूसरे के साथ खड़े होना है और हमें दूसरों को उठाना है और खुद भी अपना भी ख्याल रखना है. तो इसीलिए हमने इस कॉन्सर्ट का नाम रखा है उम्मीद, कि हमें बहुत उम्मीद है कि हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन इस चीज़ से बाहर आएंगे और इस चीज़ से जो हमें लर्निंग मिली है हम उसको साथ लेके बाहर आएंगे, ताकि हम आगे दोबारा इस मोड़ पे कभी भी ना खड़े हों. आई एम प्रिटी श्योर दैट नोबडी वांट्स टू बी इन अ सिचुएशन वेयर आवर कंट्री इज राइट नाउ. सो अपनी पर्सनली जर्नी बताऊं तो मेरे को कोविड हुआ था पिछले महीने. मेरी खुद की जर्नी रही है और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये एक बहुत ही डार्क फेज था हमारी फैमिली के लिए. मेरी डॉटर जो भी 7 months की थी उस टाइम, अब 8 months की है, उसको भी कोविड था, मेरे हस्बैंड को कोविड था, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के मासी जी जो 81 years ओल्ड है, उनको कोविड था. तो हमें हमारे लिए ये जो पर्सन एक्सपीरियंस रहा है, ये इतना बड़ा एक और एक्सटेंडेड फैमिली और फ्रेंड्स में भी कोविड था. तो जैसे लोग कई कई लोगों को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा और कई लोग घर पे ही क्वारंटीन करके बाहर निकल आए इसे, लेकिन जो वो 3 हफ्तों का टाइम था वो इतना मुश्किल टाइम था. तो जो आज लोग जिनके फैमिली मेम्बर्स या इससे लड़ रहे हैं या जो हॉस्पिटल में हैं वो, और जो अपनी लड़ाई हार चुके हैं इससे, मैं समझ सकती हूँ कि उन पर क्या बीत रही होगी. तो अगर आपको थोड़ा सा भी हमारी इस इनिशिएटिव से एक संतावना मिलती है या फिर एक एक उम्मीद मिलती है या एक खुशी भी मिलती है, जो भी आपको जैसे भी आपको एक्सपीरियंस होता है हमारे इससे, तो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी. आप अपने कमेंट्स, अपने खुद की फीलिंग्स, अपने खुद के फियर्स, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस कमेंट में लिख सकते हैं, हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. आप जो भी संस्था को डोनेट करना चाहें आप उनको डोनेट करिए. आप किसी के लिए खाना बना के भेज रहे हैं जो फैमिली कोविड पीरियड है, तो आपको बहुत बहुत सलूट. ये टाइम ऐसा है कि आपको पीछे हट के नहीं बैठना है, चाहे आप दिन में 2 मिनट आंखें बंद करके प्रे ही कर लें हमारे देश के लिए, हमारे हमारे सिटीजन्स के लिए या वर्ल्ड के लिए, कि हम इससे जल्द से जल्द बाहर आए, वो भी बहुत है. और एक बाहर निकल के हेल्प करना, वो भी बहुत बड़ी बात है. जो भी करें, जितना भी करें, बट
रुके मत, एक हम बबल में मत रहें, आप प्रिविलेज्ड हैं अनप्रिविलेज्ड हैं, ये कोई भी किसी भी तरह का अपने आप को रोके मत किसी भी बहाने से या किसी भी स्थिति में। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप समझिए कि आप कितनों के साथ लेके बाहर निकलेंगे। तो प्लीज़ दिस इज़ आवर रिक्वेस्ट, मेक श्योर दैट व्हाटएवर यू कैन, इवन इफ़ यू कांट डू एनीथिंग, बट जस्ट इवन इफ यू जस्ट मेडिटेटिंग प्रेइंग फॉर द वेलनेस ऑफ पीपल फॉर द वेलनेस ऑफ अ कंट्री, मेक श्योर यू डू दैट। I will stop talking now and Vikram Antarnath और साथ vocalist हैं आज हमारे साथ, Vikram handpan के साथ शुरू करेंगे और आप please हमारे साथ बने रहिए अगले पौने एक घंटे तक और enjoy feel this experience through music and we hope that it reaches your soul. Thank you so much, Vikram आप शुरू कर दीजिए। Thank you. शुक्रिया नौशीन, थैंक यू सो मच। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं और काफी समय के बाद हुए हैं लॉकडाउन में। तकरीबन हमने पहले भी एक कॉन्सर्ट की थी लेकिन वो किसी और जगह से की थी। सो आज मैं और सत ने मिलकर कुछ गाने हमने डिसाइड किए हैं, कुछ कलाम हैं। सो मोस्टली सत के खुद के लिखे हुए हैं, कंपोज किए हुए हैं और मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी नौशीन। जैसे आपने बहुत प्यार से बोला कि हमें कुछ ज्ञान नहीं बांटना है यहाँ पे, तो एज एन आर्टिस्ट या जैसे हमारी जो भी जर्नी रही है अब तक, हम भी यही कहना चाहेंगे कि ना ही किसी के विरोध में हमें जाना चाहिए और ना ही किसी के पक्ष में, क्योंकि कुछ धरती पे आया है तो उसमें भी परमात्मा खुद है। तो वो परमात्मा जो कहीं बैठा है और कहीं से कुछ कर रहा है, तो वो पता नहीं बैलेंस कर रहा है या इम्बैलेंस कर रहा है, लेकिन एक बात तो बड़ी अच्छी कर रहा है कि वो हम सबको इस तरीके से भी एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है कि हम अपने अपने घरों पर जरूर बैठे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ और जुड़ने का भी मौका मिल रहा है ना। तो मैं थोड़ा सा हैंडपैन के साथ स्टार्ट करता हूँ क्योंकि म्यूजिक के साथ डायरेक्ट जुड़ना, क्योंकि आप पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज करके आते हो और शरीर भी और मन भी तकरीबन थके होते हैं और एकदम से हमारा कंसंट्रेशन जो है या एक जुड़ाव जो है वो जल्दी से नहीं बनता। सो थोड़ी देर आप एक इंस्ट्रूमेंट सुनिए, इसको हैंडपैन कहते हैं, ये यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है। सो ये 5 या 7 मिनट के लिए थोड़ा मैं बजाता हूँ और उसके बाद फिर हम गाना स्टार्ट करेंगे। सो जो भी लिरिक्स होंगे, कॉम्पोजिशन होगी, वो सत जी आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे और गाना क्या कहना चाह रहा है और हमें गाने के साथ कैसे जुड़ना चाहिए या हम कैसे जुड़ सकते हैं या गाने का जो एसेंस है वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे, शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो इजाजत दीजिए और ढेर सारा प्यार भी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो लेट्स स्टार्ट। Thank you.
इतना ही आज के लिए फिलहाल. So, अभी थोड़ा सूफी गायक के अंग के साथ थोड़ा जुड़ते हैं. और सत जी और मैं तकरीबन 10-12 साल से हम लोग इकट्ठे हैं और बस ऐसा एक दोनों का सेम इंटरेस्ट है और ये लिखते हैं, कंपोज करते हैं, मिलके प्रैक्टिस करके गा लेते हैं. तो जो भी आज है वो आपको ये सुनाने वाले हैं, अब शेयर करने वाले हैं. नमस्कार जी सभी को, हमारी बात पहुंच रही है. हाँ जी, तो जैसे तो वैसे तो विक्रम जी ने सब कुछ आपको बता दिया है, बोलने जैसा कुछ नहीं रहा. और फिर भी मैं बस आपसे बातें करना चाहता हूँ कि हमारे जो सॉन्ग हैं वो एज मतलब अरदास, एक उस परमात्मा को एक अरदास की तरह है. तो सिंपल सी शब्दावली में, सीधे शब्दों में एक अरदास ही है, प्रेयर है इस जो समय चल रहा है, जो आने वाला है, जो गुजर गया उसके शुक्र में है. तो ऐसे कुछ गीत हैं तो आपसे शेयर करेंगे, करते हैं मिलके कुछ, करें शुरुआत. हाँ मालिक जी तेरा पावन गे,
बैठा रही समाधि लाके मालिक जी तेरा पावन गे। सुन मुन नगरी दे विच तेरा वासा हो जाना, रुक जांदा ए साहां दा वी आउणा ते जाना। ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਓਂਕਾਰ ਚੁਨੀ ਵੱਜਦੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਮੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਮੇ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬਣਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣ ਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣ ਗੇ। ਬੈਠਾ ਰਹੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣ ਗੇ। अगर कोई सुन रहा है तो एक बार हमें थोड़ा सा रिस्पांस कर दें कि आवाज ठीक आ रही है क्या? ऑन करो। नौशीन, आर यू देयर? हेलो, या विक्रम, हाँ ठीक आ रहा है साउंड। परफेक्ट। तो हम कैरी करते हैं आगे। हाँ प्लीज। थैंक यू। लिरिक्स बता दो। पंजाबी? हाँ, सारे पंजाबी हैं। ओके, ठीक है। अगला सॉन्ग मेरे इश्के वाली डोर तेरे नाल जुड़ी यारा, दूर ता हो सकती है पर टूटदी नहीं यारा। मेरा थोड़ा हिंदी च हाथ तंग है ते मैं क्या, अगर सारे कंफर्ट ने ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਬਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਰਿਦਮ ਆਫ ਰਾਈਮਸ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਮੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਬਕੇ ਸਬ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਭਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ से है हमारा ग्रुप रिदम ऑफ राइम्स और इनके लिए गाना, सो ये थोड़ा सा एक जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। सो जो भी है आज सत जी आपके सामने रख रहे हैं, सो इनका थोड़ा हिंदी में हाथ ढीला है, तंग है, लेकिन पंजाबी में अच्छा खासा है, तो आप पंजाबी में सूफी पोइट्री का मजा लीजिए। निरेश के वाली डोर तेरे नाल जुड़ी आ रहा, दूर ता हो सकती है पर टूटदी नहीं आ रहा। जिवें आपां बचपन दे विच सब ने पतंग उड़ाए होंगे, पतंग कई भाषावां जो गुड्डी भी कहते हैं, पतंग ज्यादा तर पतंग इंग्लिश शायद काइट कुछ कहते हैं। ओदा एक उसदा एक उसनू सूफीज़म च मैं लिखण की कोशिश की है कि जिस तरह पतंग उड़ान वाला बहुत दूर नीचे खड़ा होंदा है, जड़ होंदी है, ते पतंग आसमान च होंदी है, लेकिन उहदा ही इक तार उड़ान वाले नाल जुड़ी होंदी है। दूरी बेशक बहुत होंदी है
लेकिन पर अंदरों कोई तार जुड़ी होंगी है साड़ी भी परमात्मा नाल बेशक असी संसार कितने भी हुई किसी भी देश के रहते हुए साड़ी तार उस उड़ान वाले मालिक नाल जुड़ी हुई है तो मर्जी नाल सानू तुन के मारदा रहिंदा है कई बार थले भी खिंच लैंदा है कई बार ऐसा ही कुछ डोर उसके हाथ च है साड़ी ऐसी पतंग है जिन्ना चिर वह चाहे तो उड़ाते रहेंगे सानू जो उन्होंने दिल किया थले ला लैणगे ऐसा ही कुछ तुहानू ये गाने दे विच सुनने को मिलेगा ते तुहाडे सामने पेश कर दे मेरे इश्के वाली डो तेरे नाल जुड़ी यारा दूर ता हो सकती पर टूटती नहीं यारा मेरे इश्के वाली डो तेरे नाल Thank you.
बहुत बहुत बढ़िया थी, बहुत ज्यादा। आप थोड़ा आगे हो जाओ संजीव, आवाज अच्छी आएगी तो। हाँ, क्योंकि हम थोड़ा गैप पे हैं फोन से। जी जिंदगी जिउंदे हुए संसार दे विच बहुत सारियां कई बार ऐसा हुंदा कि असीं जो करना चाहने आ वो नहीं हो पांदा, जिदा असीं जीना चाहने आ या उदां दा नहीं हो पांदा। तां कई बारी शिकायत भी आंदी है, कई बारी असीं जिसनूं भी परमात्मा मनदे आ कई बारी ताने मेणो मेणी भी हो जांदे उहदे नाल कि मैं तेरा तैनूं इन्ना याद करदा कि तू मेरा आ नहीं किया वो नहीं किया। जिहड़ा असीं अगला गीत तुहाडे रूबरू कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ सब जानदे ने, कुछ ऐसी कुछ गल है कि वो तो कुछ भी नहीं छुपया, तेरा चंगा भी तेरा माड़ा भी, जो तू उन्हूं याद किया उन्हूं जो फरियाद की, जो तेरा नहीं होया, जो तेरे लिए चंगा है पॉजिटिव है नैगेटिव है वो तो कुछ भी नहीं छुपया, तो उन्हूं दसन की या तो मंगने की कुछ भी लोड़ नहीं है। उन्हें जो तेनू देना है जो दिता है वो परफेक्ट ही है, तेरे लिए उही सी
जो उन्हें तेन अगे देना है तेन उ चाहिए ऐसा कुछ अगले गीत दे विच ऐसी कोई अरदास है कि परमात्मा अल्लाह रब वाहिगुरु सब कुछ जानता ही है ते फिर बोलिया सब कुछ जानता ही है वो ऐसा कुछ गीत है अल्लाह मियाँ सब जान गए ना कर फरियाद उनू रख याद तेथो पहला सी तेथो होना बाद तू जो कर आए जो कर सकिया तेरी तकदीर च जो जो
अगला गीत शुक्र मालिक दा आप थोड़ा इधर होकर अच्छा लाइट वहां से ऐसे लग रहा है कि टेढ़े होके देखते ओके लो जी अगला गीत है जी शुक्र मालिक दा वैसे तो मेरे सारे गीत मैंने बहुत पसंद है ये गीत मेरे दिल से बहुत करीब है एक्सपीरियंस भी आया बहुत बार ऐसा कि शुक्र शुक्र करते रहो जिंदगी सौखी लंघ जाती है ऐसा ही कुछ शुक्र मालिक दा कोई भी सिचुएशन आवे जिंदगी दे विच ते अगर तुसी शुकराने दे भाव चो ते फिर शुक्र ही हो जाता सारा अगर असीं बोलदे आ इस शब्द दे विच मैनूं लगदा बहुत वड्डी ताकत है शुक्र दे विच अगर असीं किसी भी सिचुएशन च इस तरह बोल दिए कि शुक्र मालिक दा उसकी रजा जो है जिस तरह साडे स्वामी जी बापू जी साडे कहिंदे हुंदे हरी इच्छा ते शायद इसे दा ही वर्धन है वो शुक्र मालिक दा ते वो हरी इच्छा च जदों ऐसी कोई फीलिंग साडे तरंगा साडी बॉडी च निकलदी है तां हरी इच्छा ही हो जांदी है सारे पासे शुक्र ही हो जांदा है ते ऐसा कुछ इस गीत दे विच अरदास है या मैनूं आप नूं ही मेरे शब्दां तों सेध मिलती रहती है जिंदगी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने गीतों तो ही सीखने मिलता रहता उन्होंने दोहरा लेना सुन लेना याद कर लेना लेना रिलैक्स हो जाना थोड़ा जन्म तो पहला मां नूं दुध दिता तेरे लई तू बेशुकरा आखे रब ने कीता तस्कीर तेरे जन्म तो पहला मां नूं दुध दिता तेरे शुकराया के रब ने कीता दस की
रब वर्गे तेरे मापे तू सेवा करिया कर, खुशियां नाल झोली भर जूगी शुक्र मालिक दा करिया कर, खुशियां नाल झोली भर जूगी शुक्र मालिक दा करिया कर। Yes, this is Akanksha. Yeah. Hi, Akanksha. So, I think it's a 7, right? Yes. So, I think hame jab bhi close karna ho to aap bata dena. You can continue for as long as you want. आपको जब तक कंटिन्यू करना आप करें, बट इफ यू थिंक आपको एंड करना है आप हमें बता दीजिए, लाइक आपको लास्ट सॉन्ग करना है या सेकंड लास्ट, जैसे आपको ठीक लगे. श्योर. तो हम लोग ये एक कौन सा करते हैं, तो एक फिर हम लोग लास्ट सॉन्ग करते हैं और उसके बाद हम फिर जी डेफिनेटली. Thank you. TJ. Okay.
Thank you.
शुक्रिया आभार एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा. सो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है नौशीन. हां जी थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपके. बैक टू टेल टू ऑल द व्यूअर्स यस तकरीबन काम तो बंद ही है आर्टिस्टों का. हमारा खाना पीना अच्छा चल रहा है, अभी बढ़िया चल रहा है क्योंकि सत जी वोकल सिखाते हैं ऑनलाइन और मैं थोड़ा बहुत प्रकर्शन और तबला ऑनलाइन सिखा रहा हूँ. सो वैसे किसी के दिल में कोई भाव आए कि आपने कुछ सुना है और अच्छा लगा है और कोई हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहता है तो आप मेरा गूगल पे नंबर ले सकते हैं आराम से कभी भी कहीं भी और हमारे पेज पे आप डीएम कर सकते हो डायरेक्ट. ठीक है जी. सो आप सबको हमारी तरफ से टोकरे पर ढेर सारा प्यार एंड बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने टाइम निकाला, आपने इतना हमारे दिल को छुआ अपने आवाज से अपने संगीत से. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू आपको भी सबकी तरफ से बहुत बहुत प्यार. बिल्कुल हम लोग मैं याद करता हूँ वो दिन जब हम रिदम ऑफ राइम्स के इवेंट्स होते थे और एकदम सब लोग पास में बैठ कर सुनना और गाना, उसका एक अलग ही मजा है. एकदम लगता ही नहीं है कि कोई आर्टिस्ट कुछ स्पेशल कर रहा है, सब लोग आर्टिस्ट हैं, सब लोग सुन रहे हैं और सब लोग गा रहे हैं. So, बिल्कुल और हम चाहेंगे कि वो दिन बहुत जल्द वापस आए. बिल्कुल बिल्कुल दुआ करते हैं कि हम सब फिर मिलके बैठे सबसे बात आपस में असली में मिलके सामने सामने बैठ कर इस आपकी कला का मजा उठाए. यस 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 बहुत कमाल हुई एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए अभी तक. जब भी रिदम ऑफ राइम्स के लिए जाना और गाना एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस रहा है. हमेशा मजा आता है कि जो भी हम गा रहे हैं वो लोगों को समझ में भी आ रहा है और लोग इंजॉय कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यार क्या बात है. मतलब उसमें लगता है कि यार धरती पे आना सफल हो गया है. नहीं हमें लगता है हमें हमारे तो बल्कि गर्व होता है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा, कभी ना नहीं बोलते और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए. वी आर वेरी लकी कि एक आप स्टोल्स डाइट आपका गाना बिल्कुल एक खुराक है, एक एक रूह की खुराक. बिल्कुल सच सच की तुसी एना एना वधिया एना सोना गाया दिलो बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया सारे अंदर जिन्होंने इन्हें प्यार ना सुने हैं ते थोड़ी सारी तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ असी कि जिन्होंने इन्ना उपराला किया इन्हें सारे लोगों नाल सानू जोड़िया. बहुत खुशी बहुत अच्छा लग्या. नेक्स्ट टाइम भी बहुत जल्दी. हाँ जी बिल्कुल. थैंक यू जी. थैंक यू टू आवर व्यूअर्स. प्लीज कीप योर स्पिरिट्स हाई. आप लोगों से जुड़े उनसे पूछे उनको क्या चाहिए उनकी मदद करें. आप सोल्स डाइट से कांटेक्ट करें उनके पेज पे जाएं. आपको म्यूजिक के बारे में वोकल्स सीखना है या प्रकर्शन सीखना है
कोई भी आर्टिस्ट आपको ऐसे लगे आप सपोर्ट करें, आगे बढ़कर सपोर्ट करिए, तो इससे हमें सपोर्ट हम जैसे भी कर सकते हैं, जिसके लिए में कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। क्योंकि पिछले 10 दिन में मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी है, तकरीबन मुझे जानने वाले 10-11 लोग जो है वो धरती से परलोक सिधार गए। ओह माय गॉड, बहुत ही क्लोज, बहुत क्लोज, और इतना मतलब अभी सरप्राइज लगता ही नहीं है कि कोई गया, वो बस अभी दिल से आता है कि परमात्मा आपको जो चाहिए था आपने भेजा, जो आपको चाहिए था वो आपने बुला लिया। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी हाँ बोली हमें, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आप ऐसे से गो थ्रू हो रहे हैं। बिल्कुल, एंड द बेस्ट वे हम लोग कला के साथ जुड़ रहे हैं, कला के थ्रू परमात्मा के नाम के साथ जुड़ रहे हैं, सो इससे अच्छा तो अभी कुछ नहीं हो सकता। सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ आल्सो अ ब्लेसिंग कि हम लोग एक माध्यम से परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ रहे हैं, और हम लोग कई बार फोन पे ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मली किसी को मिलकर इन प्रेजेंस हम लोग नहीं कर पाते, मतलब कमाल की बात है। तो ऐसे हम लोग अगर जुड़ रहे हैं सो ये भी एक परमात्मा का शुक्रगुजार हूं मैं, और तुम दोनों ही सत जी, और आप सबका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे लगे रहिए, और भी आर्टिस्टों को आप मौका देते हैं और आगे भी देते रहिए, सबको मेरे ख्याल से सपोर्ट एक मिलेगी मेंटली भी और जो भी है, कि कम से कम एक आर्टिस्ट को लगेगा कि यार वो घर पे भी बैठा तो काम तो कर ही रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। थैंक यू, सी यू सून। थैंक यू, थैंक यू सो मच।